पृथ्वी पर अगर किसी इंसान की मौत होती है तो जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि शव खराब ना हो। लेकिन अगर स्पेस में किसी की मौत हो जाए तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब में नासा के अंतरिक्ष यात्री टेरी विट्स ने बताया कि किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए शायद स्पेस में मौत से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। दरअसल अंतरिक्षयान के शव को स्टोर करने की कोई सुविधा होती है, एस्ट्रोनॉट के शव को धरती पर लाने के लिए मिशन खत्म होने का इंतजार करना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में शव को एयरलॉक में पैक करके स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। डेड बॉडी स्पेस की ठंड में आइस ममी में बदल जाती है। ये बात उस वक्त सामने आई थी कि जब नासा के अपोलो मिशन के दौरान बने स्पेस सूट का टेस्ट किया गया। इससे यह भी पता चला कि स्पेस में प्रेशर की वजह से डेड बॉडी में विस्फोट भी हो सकता है। अंतरिक्ष में डेड बॉडी अगर किसी चीज़ से टकरा कर नष्ट ना हो तो वह अनिश्चित काल तक स्पेस में रह सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह सौ सैकड़ों लाखों वर्षों के लिए अंतरिक्ष के अनंत में मौजूद रहेगा। एस्ट्रोनॉट ने बताया कि स्पेस मिशन पर गए शख्स के डेड बॉडी को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए कई महीने लग सकते हैं, इसलिए अगर स्पेस में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसके डेड बॉडी को नष्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें शव को अनंत अंतरिक्ष में छोड़ देना, मंगल ग्रह पर दफन करना आदि शामिल है। हालांकि मंगल की सतह को खराब होने से बचाने के लिए शव को पहले जलाना होगा, लेकिन ये काम बेहद जटिल है जिसके बारे में रिसर्च चल रही है। कुल मिलाकर इस बात की कोई अनिश्चितता नहीं है कि शव पृथ्वी पर अंतिम संस्कार के लिए आ पाए।